दोस्तों, क्या ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप अपने कमरे में बच्चे की एक सुंदर सी तस्वीर लगा लें तो आपका गर्भस्थ शिशु भी सुंदर होता है? या फिर क्या ऐसा है कि गर्भवती महिलाएं जो देखती हैं, सुनती हैं, छूती हैं, उसी तरीके का गर्भ में शिशु बनता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बातें बताऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि आखिर बच्चे की तस्वीर को एक्चुअल में अपने कमरे में लगाने के लिए क्यों कहा जाता है। तो जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा, स्वागत है प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन की इस नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि बच्चे का जो शारीरिक बनावट होती है ये उसके जीन्स पर डिपेंड करता है। जो जीन्स उसको उसके माता पिता के द्वारा मिलते हैं, इस पे ही बच्चे की शारीरिक बनावट जाती है। या तो हो सकता है बच्चा अपनी माँ की तरह या फिर अपने पिता की तरह दिखे, या फिर माँ के परिवार वालों के साइड किसी पे जा सकता है, या फिर पिता के परिवार वालों पे किसी भी सदस्य पर उसके नैनक्स हो सकते हैं। तो ये तो जीन्स पे डिपेंड करता है। अब बात करें दोस्तों कि गर्भवती महिला जैसा देखती है, जैसा सुनती है, जैसा समझती है, जैसा छूती है, उस तरीके से ही क्या गर्भ में शिशु का विकास होता है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इसमें कई अपवाद भी हैं, लेकिन आपको बता दूं कि गर्भ संस्कार जैसी जो चीज़ होती है, यानी कि गर्भ से ही शिशु को कुछ ऐसे संस्कार दिए जा सकते हैं जिससे कि आप जैसा चाहे अपने बच्चे को बना सकते हैं। वो कैसे होता है? वो गर्भवती महिला के देखने से, गर्भवती महिला कैसा महसूस करती है, कैसा फील करती है, कैसी सोच रखती है, ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर गर्भवती महिला बहुत अधिक खुश अपनी प्रेगनेंसी में रहती है, बहुत अधिक अगर धार्मिक प्रवृत्ति की हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ती है, तो ऐसा कहा जाता है कि होने वाला जो शिशु होता है वो भी ठीक इसी तरीके से आगे चल के बनता है। हालांकि इसके कई अपवाद भी हैं, लेकिन गर्भ संस्कार जैसी चीज़ें जो होती है आज भी काफ़ी ज़्यादा मान्य होती हैं और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी बच्चों में देखे जाते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि आपको स्वस्थ रहना है, आपको हंसते रहना है, रोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए, अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ों को समझिए, ज्ञान लीजिए। इसके अलावा अपना हीमोग्लोबिन अच्छा रखें, अपने वजन को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें, अपना बीपी कंट्रोल में रखें, अपना जो भोजन है वो संतुलित आहार आपको करना चाहिए इस दौरान, और पानी का इंटेक अधिक करना चाहिए। तो जैसा आप अपना रखरखाव रखेंगी उसी तरीके से गर्भ में शिशु का विकास होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों जो विकास होते हैं बच्चे के, वो ठीक इन्हीं चीज़ों से विकसित होते हैं। अब बात आती है कि क्या सुंदर चित्र अगर आप अपने रूम में लगा देती हैं तो इससे आपका गर्भस्थ शिशु क्या सुंदर होता है? तो आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एकमात्र भ्रांति है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि सुंदर अगर पोस्टर लगा दिया, आप उसको निहार रहे हैं तो आपका बेबी ऐसे में सुंदर होगा। ये चित्र लगाने के लिए दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी का जो दौर होता है इस दौरान गर्भवती महिलाओं को मिली जुली फीलिंग्स रहती है, बहुत अधिक मूड स्विंग्स रहते हैं। गर्भवती महिलाओं को ना चाहते हुए भी कई बार दुखी रहने का मन कर जाता है, वो कई बार चिंता में रहती है, कई दिनों तक डिप्रेशन में चली जाएं, बहुत अधिक रोती हो, अकेलापन फील कर ले अगर, तो ऐसे में अगर वो बच्चे का वो सुंदर चित्र जो कि उसने अपने कमरे में लगाया होता है उसे देख के एटलीस्ट उसे फिर से याद आए कि उसकी हाँ गर्भावस्था चल रही है, उसे अपने बच्चे के लिए अच्छा रहना है, खुश रहना है, तनाव नहीं लेना है, रोना नहीं है, दुखी नहीं रहना है, तो इसलिए चित्र लगाया जाता है कि ताकि आपको बार बार रिकॉल कराया जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप माँ बनने वाली हैं, एटलीस्ट अपने बच्चे के बारे में सोचिए और अपनी प्रेगनेंसी में नेगेटिविटी से दूर रहें। तो इसलिए बच्चे का चित्र लगाया जाता है। बच्चा सुंदर होना या ना होना भगवान की देन होता है। इसके अलावा जीन्स पे ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कैसा होगा। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, रोचक रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।